इतना प्यार करके बाहर जाके तुझे मेरी इतनी गंदी आदत पड़े, तू मेरे से रह ना पाए, तू रात को मेरे को ढूंढे, फिर मुझे तेरे लिए आना पड़े। रंग थे नूर था जब करीब तू था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के देहांत के बाद फिलहाल जो सबसे ज़्यादा दर्द में हैं वो सिद्धार्थ की मां और उनकी प्रेमिका शहनाज कौर गिल हैं। शहनाज सिद्धार्थ की मौत के बाद पूरी तरह से टूट गई हैं। उन्होंने कुछ दिनों के लिए खाना पीना भी छोड़ दिया था, पर घर वालों और रिलेटिव्स के समझाने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट किया, मगर शहनाज के हालात में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अभी भी उसी हालात में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहनाज की जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, ना वो किसी से मिलना चाहती हैं और ना किसी से बात करना। सिद्धार्थ की माँ शहनाज को काफ़ी समझाने की कोशिश कर रही हैं, पर शहनाज को अभी किसी की बातें समझ नहीं आ रही। शहनाज और सिद्धार्थ पहली बार बिग बॉस के घर में मिले थे और वहीं से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बिग बॉस के दौरान फैंस को उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी, इसीलिए लोगों ने इस जोड़ी को नाम दिया था शहनाज। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की ये कहानी अधूरी रह गई। जब सिद्धार्थ का देहांत हुआ तो शहनाज अपना सब कुछ खो बैठी। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में जो लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि शहनाज सिद्धार्थ के पास बैठकर चीख चीख कर रो रही थीं और उनको संभालना मुश्किल हो रहा था। शहनाज और सिद्धार्थ का रिश्ता कितना सच्चा है ये उनके फैंस अच्छी तरह से जानते हैं। बिग बॉस में भी शहनाज ने खुलकर अपना प्यार जाहिर किया था और सिद्धार्थ ने भी उन्हें हमेशा पूरा सपोर्ट किया। अभी कुछ दिनों से एक खबर वायरल हो रही है कि सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज ने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया है और वो वापस पंजाब लौट जाएंगी, पर ये खबर सच नहीं है क्योंकि शहनाज किसी से बात ही नहीं करती और ना ही किसी से मिलती हैं, तो ये बात वो कैसे बोल सकती हैं। फिलहाल जब तक शहनाज की तरफ से कुछ बोला नहीं जाता तब तक इसे सच नहीं माना जा सकता। तू मेरा है, ठीक है, और तू मेरा ही है, मैं फाड़ के रख दूंगी सबको यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं भगवान शहनाज को इस दुख का सामना करने की शक्ति दे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।